के भिवानी जिले में हुई दलित समाज की बेटी की बलात्कार के बाद हत्या के बाद से दलित समाज में गहरा रोष व्याप्त है। जगह जगह आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मांग उठाई जा रही है। उसी क्रम में आज राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग भारत के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राहुल वाल्मीकि और जिला अध्यक्ष रोहित वाल्मीकि के नेतृत्व में जिला मुख्यालय मुरादाबाद पर एक धरना प्रदर्शन किया और पीड़िता के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठाई। आपको बताते चले कि जहां देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंचों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रहे हैं, देश दुनिया में नारी शक्ति का गुणगान हो रहा है, वहीं हरियाणा के एक जिले में दलित समाज की बेटी के साथ ये घटना घटित हो जाती है। पुलिस 24 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रारंभिक रिपोर्ट दर्ज नहीं करती, इससे दबंगों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। दलित समाज और राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग भारत यह मांग करता है कि जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, नहीं तो दलित समाज और उग्र आंदोलन करेगा। उसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। धरना प्रदर्शन करने वालों में राहुल सेवक, रोहित वाल्मीकि, संजय वाल्मीकि, अनिल एकलव्य, राहुल मार्शल, अनिल ध्रुव, कबीर सिंह, अभय, विनय सागर आदि उपस्थित रहे। आज हरियाणा में भिवानी जिले में वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ में उसका बलात्कार करने के बाद में निर्मम हत्या कर दी गई है और अभी तक 18 दिन बीतने के बाद में ना तो उसके FIR दर्ज हुई है, ना ही पुलिस ने वहां पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करी है। आज हम माननीय डीएम साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन प्रस्तुत करा है कि अगर हरियाणा सरकार ने और वहां के भिवानी जिले के SSP ने अगर मुकदमा दर्ज नहीं करा तो राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।